हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया को लेकर एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि दीपक बावरिया को हरियाणा में कांग्रेस ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आने वाले वक्त में चुनाव है, उससे पहले ये बदलाव किया गया था, शक्ति सिंह गोहिल की जगह उनको जिम्मेदारी सौंपी गई। चंडीगढ़ का दौरा उनका रहेगा, 24 जून को हरियाणा कांग्रेस के साथ पहली बैठक उनकी हो सकती है। हरियाणा के कांग्रेस के प्रभारी नियुक्त होने के बाद उनकी पहली ये बैठक होने वाली है हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ। हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायक यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं, सांसद भी मौजूद रह सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। दीपक बावरिया चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की बैठक लेते नजर आ सकते हैं, तो ये जानकारी खबरें तक पर आप देख पा रहे हैं। क्यों महत्वपूर्ण है ये बैठक, क्यों सभी नेताओं के साथ होने वाली मीटिंग पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी बिप्लव देब लगातार हरियाणा में संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। अब बारी है कांग्रेस पार्टी की, अब नई जिम्मेदारी हरियाणा की कमान मिली है बावरिया को, तो ऐसे में अब उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उनके पास समय ज़्यादा नहीं है। हमारे साथ अनिल मोर हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुके हैं आपको इस खबर के मायने समझाने के लिए। अनिल, जानकारी मिल पा रही है कि चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के अलावा विधायकों सांसदों के साथ बावरिया, जो कि अब हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी भी हैं, उनकी अहम मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग को लेकर क्या क्या जानकारी मिल पा रही है, कंफर्म है ये मीटिंग? देखिए बिल्कुल कमल, पिछले जो हरियाणा कांग्रेस को नए प्रभारी मिले थे दीपक बावरिया के तौर पर, क्योंकि जो हरियाणा कांग्रेस के पहले के प्रभारी थे उनको गुजरात का अध्यक्ष बना दिया गया था, उनकी जगह पर दीपक बावरिया को हरियाणा कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया था। और प्रभारी बनने के बाद जो पहला दौरा रहने वाला है दीपक बावरिया का, वो अगले हफ्ते चंडीगढ़ का रहने वाला है। अगले हफ्ते प्रभारी की तरफ से एक बैठक बुलाई गई है जिसमें जो हरियाणा कांग्रेस के तमाम विधायक, सांसद, पूर्व विधायक और जो जारी गेट्स है हरियाणा कांग्रेस के, वो सारे के सारे मौजूद रहेंगे। जो कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर ये दीपक बावरिया का पहला दौरा होगा और इसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से दीपक बावरिया हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी पद का जो चार्ज है वो संभाल लेंगे बैठक के जरिए। और जो ये बैठक रखी गई, जो हमारे पुख्ता सूत्र है, सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि 24 जून को चंडीगढ़ में बैठक होगी और इस बैठक में कहीं ना कहीं जो नवनीत प्रभारी है हरियाणा कांग्रेस के, जो तमाम विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, डेलीगेट से मुलाकात करेंगे, एक बैठक लेंगे और कहीं ना कहीं विधिवत तौर पर जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी का जो चार्ज उनको मिला है विधिवत तौर पर वो अपना काम संभाल लेंगे। धन्यवाद, आपने जानकारी दी इस खबर को लेकर और आपने बताया भी है विस्तार से दर्शकों को कि ये अहम मीटिंग क्यों है।